यहाँ पर एक बहस ये है कि ईमान के बाद सबसे बढ़िया अफजल चीज कौन सी है। इस सिलसिले में हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह और हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि ईमान के बाद सबसे ज्यादा अफजल चीज है जिसमें आदमी मशगूल होए वो इल्म है। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह का इख्तलाफ है। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि ईमान के बाद सबसे ज्यादा अफजल नवाफिल में मशगूल होना है। इस वजह से उनके नजदीक ईमान के बाद नवाफिल पढ़ना अफजल है। हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिहाद करना सबसे ज्यादा अफजल है। इस वजह से ईमान के बाद जो नेमत अल्लाह तबारक व तआला ने दी है वो नेमत दूसरों तक पहुंचाई जाए और दूसरों को भी अल्लाह तबारक व तआला के इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नजदीक भी ईमान के बाद उन्होंने सबसे पहले इल्म को जिक्र किया है। इस वजह से मालूम हुआ कि हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नजदीक भी ईमान के बाद सबसे ज्यादा अफजल जो है वो इल्म है।